नमस्कार किसान भाइयों, बीटी कॉटन के बारे में बात करांगा। एक प्रगतिशील काश्तकार मरसा के जुड़े बहुत बातचीत करांगा। सगे कृषि विभाग की टीम मरसा के है, सह कृषि प्रयोगशाला चरणजीत सिंह जी, सह कृषि अधिकारी भी मरसा के, खेत की मॉनिटरिंग करने लग रहे हैं। किसान के एफर्ट्स लगान लग रहे हैं गुलाबी सुंडी ने नियंत्रित करने वास्ते, बहुत बात करांगा। राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम क्या है? भोजराज। भोजराज जी, बिट्टी कपास की बात करें तो कितना बीघा में बिट्टी कपास की थे खेती करने लग रहे हो? 5 बीघा। 5 बीघा है। और गुलाबी सुंडी की बात करें तो थे फेरोमोन ट्रैप भी लगा रखे है, कितना फेरोमोन ट्रैप 1 बीघा में लगाए है? 1 बीघा में 1 लगाए है। तो हमें कोई फिटकला वगैरह आवे है क्या? हाँ आवे, 1 दिन 2 दिनों में 1-2 फिटकला। 1-2 फिटकला आवे। तो अभी पेस्ट को प्रेशर कोई ज्यादा नहीं है, आपा देखना है 3 दिनों के अंदर आपने 6-8 अडल्ट है जगह फिटकला आपने फेरोमोन ट्रैप लगा रखी है इनके अंदर दिखाई देने लग जाए 3 दिनों की मॉनिटरिंग के अंदर 6-8 तक तो आप स्प्रे करनी है। इतना तो कौन दिखने लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, मतलब गुलाबी सुंडी का प्रेशर खेत के अंदर बहुत कम है। किसान भाइयों, फेरोमोन ट्रैप है जो किसान को एक अच्छा दोस्त है, भी आपन ठाक होने लगे कई बार खेत में सुंडी कद आ गई, लेकिन वो थाना इंडिकेशन करेगा, सूचना जरूर देवेगा खेत के अंदर सुंडी को प्रेशर कितो का है। तो एक प्रगतिशील काश्तकार है, बहुत अच्छी खेती करे, लारले गेड़े भी पेस्ट को प्रेशर ज्यादा हो, लेकिन फिर भी 4-5 क्विंटल नरमो हो, वहाँ फेरोमोन ट्रैप भी लगाया, कई प्रयास कराया और स्प्रे भी काफी मात्रा में करी होनी है पिछले साल। 10-12 स्प्रे कर दी सुंडी को, टैग ज्यादा हो लेकिन नरमो भी थारो आगत हो भी टाइम है। और ओ फेरोमोन ट्रैप की आप बात कर लाग रहे हैं, ओ थे ल्यूर जरूर लगाओ। और भोजराज जी, ओ जो को ल्यूर आप देखने लाग रहे हैं अंदर कैप्सूल है जो को 30 दिन तक काम करे, और लगभग 25-30 मीटर तक फ्रेगनेस आपकी छोटे को 30 मीटर के घेरे में जितना भी गुलाबी सुंडी का नर कीट होगा तो वो मादा की फ्रेगनेस छोटे वातावरण में, एक साधारण प्राकृतिक कीट हो भी 10 गुना ज्यादा छोटे को, और हटा के जिसका ट्रैप हो जाएगा नर कीट है तो यूं कोई सुंडी नियंत्रित को नहीं हुआ है, आप भी कंट्रोल हो जाएगी। ज्यादा फेरोमोन ट्रैप लगा दीजिए, मान लो 10 लगा दिया अभी में खेत में सुंडी को नहीं आवा, इसी कोई बात को नहीं, लेकिन वो आपने इंडिकेशन करे। वो आप पीलो मटको देखने ला रहे, वो क्या वास्ते टंगे है? सफेद मच्छर वास्ते, सफेद मच्छर ने आकर्षित करे। ग्रीस लगाए वो भी बहुत अच्छो, आपा केस का यांत्रिक नियंत्रण एक तरह को। किसान भाइयों, जब भी आपा कोई पेस्ट ने कंट्रोल करना चाहवा तो आईपीएम विधि आपने काम में लेनी चाहिए, समन्वित कीट प्रबंधन, यानी पेस्टिसाइड के लारे ना पड़ के आपा दूसरा नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका हूँ, जैविक तरीका हूँ, यांत्रिक तरीकों आप कीट ने किया नियंत्रित कर सका, कल्चरल कंट्रोल आप ले सका, कृषित विधि यानी फसल की बुआई गए जो को टाइम है भी मैं हेर फेर करके आगे पीछे बोवांगा तो भी अपनो कीट है जो को नियंत्रित रहेगा। और दूरी की बात करा, दूरी कितनी रखी है जी? दूरी है जी 2 फुट काट गए, 2 फुट छोड़ गए। अच्छा, 6 फुट की दूरी है। 6 फुट की दूरी रखी है अब की बार। लालगढ़ ज्यादा नरमा भी सुंडी ज्यादा है। किसान भाई, बहुत अच्छी बात बताने लग रही है, सूर्य की किरण जब जमीन के ऊपर पड़े तो ये सुंडी ने अंधेरों पसंद है। अब फूल थाने रोजेट फूल जी, अभी थाने एक सुंडी देख के बताई, वो जो रोजेट फूल है इन अंदर सुंडी है जी की देखने ने मिले। पहला कवा खेत के अंदर सुंडी को नहीं, फिर माने दिखाई हो किसान भाई, वो आप देखा नहीं पोलिनेशन जठ हुए, एक बीच में डंडी है, आप स्टिग्मा बोलना यानी स्त्री केसर भाग है, ऊपर पोलन टिकेट हुआ है। अगर फूल थारो शुरू में खिले तो सफेद रंग हो जो पुष्प है थाना दिखाई देवेगो, पहला बंद होगा फिर खिल जाएगा बाद में, और रोजेट फूल ही तरीको बन जाएगा, फिर इन अंदर आप देखेंगे तो बंद फूल के अंदर गुलाबी सुंडी मिलेगी, आपकी शरीर है भी सेमी रसायन छोड़े और फूल के अंदर अंधेरो कर ले, फिर आ सुंडी अंदर ही अंदर खांती रहे। ओ जो थाने एक फूल देखने लाग रहे हो थे, वो फूल का जो पोलिनेशन वाला भाग है स्टिग्मा है, प्लस जितना भी पोलन इनके अंदर टिकेट है परागण है वह सारा बदरंगी हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा, लेकिन जटा सुंडी ना होगी बिंग अंदर थाना पोलन है बिल्कुल सफेद कलर को या हल्को है जो को नारंगी कलर को दिखाई देगा, अगर पिंक फॉल में परिवर्तित हो गया तो फूल के अंदर निषेचन की क्रिया होगी है, ये तरीकों आप पहचाननी है। फिर भोजराज जी, आप नहीं लगे भी तीसरे चौथे फूल में चली गई सुंडी, या सुंडी गई किन्ने तो आज की आप सुंडी इतनी देर देखी, आज सुंडी प्यूपा में बदल जाए, शंख में बदल गई और जमीन पर गिरेगी, क्या थे बेसक बिंग पर रिबन बांध दी हो थाना पता चल जाएगा वह प्यूपा में बदल गए, क्योंकि प्रकृति के अंदर प्रत्येक जीव की क्षमता है पीढ़ी बढ़ाने वास्ते आगो आगे प्रक्रिया जो करते रहे, फिर भी वो शंख बन गए 15-20 दिन तक शंख रहेगा, फिर फिटकलो बाहर आ जाएगा, वो आगे खेत के ऊपर अंडा देगा, वास्ते चौकस रहना खेत के अंदर, और फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाना है, सुबह सुबह मॉनिटरिंग करनी है। 100 फूलों के अंदर यदि आपने 20 फूलों के अंदर रोजेट फूल मिले तो आप नियंत्रण का उपाय जगह करना चाहिए।
और किसानों ने क्या सुझाव देना चाहो? एक तो नरमो छिद्दो बीजना चाहिए, छिद्दे बीजने में फायदा है, ज्यादा कच्चो नहीं करना चाहिए, ज्यादा कच्चो नहीं करना चाहिए, फसल ने करवाई चाहिए, करवाई चाहिए, एक हाइट ज्यादा नहीं जानी चाहिए, हाइट ज्यादा नहीं जानी चाहिए, लगभग 4-4.25 फुट की हाइट बहुत है। और दूसरा किसान भाई थोड़ा सा इन्हें दिखाओ, सिमपोडिया की दूरी है ना, ध्यान रखनी है, सिमपोडिया के अंदर आपने 3 आंगली फंसनी चाहिए, अगर 3 आंगलियों ज्यादा दूरी होगी तो सिमपोडिया की दूरी जिया भी ज्यादा होगी तो अपना उत्पादन कम हो जाएगा, इन वास्ते की ग्रोथ है जिसकी कंट्रोल रखनी है। अगर हाइट ज्यादा होने लग रही है 5 फुट तो आप टिप्स तोड़ देंगे तो ब्रांच है जिसकी ज्यादा निकलेगी, या एक दो अपने कहीं दवाई मार्केट में बांगे ऊपर बाद में चर्चा कराऊंगा, अभी किसानों ही बात कर लग रहे हैं। नरमो एक तो छिद्दो बीजना चाहिए और फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। अब कई किसान भाइयों ने समझावा भाई लगावा कौन फेरोमोन ट्रैप, तो गलत बात कौन की गलती है, तो सारा कट्ठी लगानी चाहिए, ये पता लग जाए भी आपने सुंडी आ गई खेत का, हाँ खुद का खेत को उठा लग जाए, कई बार किसान ने भी ये कौन उठा लगे लेकिन फेरोमोन ट्रैप उठा लग जाए। और इनके सागे सागे एक क्राइमेट कंपनी है जिसकी जेल बनाने लग रही है, एक एकड़ के अंदर ऊपरली 2 पत्ती छोड़ के तीसरी पत्ती की आप नोट देखने लग रहे हैं, नोट के सर लग जाएगी वह ट्यूब और मटर के दाने जितनी लगेगी, अगर 2-3 किसान भाई लगा के एक मरबा खेत के अंदर लगा लेने तो मैं बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा, ज्यादा स्प्रे गलारे पड़ने की जरूरत कोनी है, सक सक बाजार में जाने की जरूरत कोनी, थे निमास्तर घर पर तैयार करना है जी, मैं आज थाने बना के दिखाना, वो ड्रम देखने लग रहे आप किसान भाइयों, वो ड्रम में जगह ले गया है खेत में, लेकिन नेक्स्ट विजिट में बना बतावांगा आप, 10 किलो तो नीम का पत्ता लेना है, 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गाय को गोबर इन अच्छी तरह ड्रम के अंदर घोल गए थे, 3 दिन तक ही रखना है, 4 दिन रख ले तो भी कोई दिक्कत कोनी, ज्यादा टाइम रहे कोई दिक्कत, हाँ नहीं 4 दिन तक ही थे रखो, बाकी ने 1 हफ्ते तक भी थे यूज कर सको, नीम अच्छी तरह घुल जाएगा, जब थे इन छिड़कों का 10 लीटर पानी है तो भी अंदर 1 लीटर 100 लीटर के अंदर आप 10 लीटर पानी लेना है, यदि 10 लीटर पानी है ढोलकी अपनी 15 लीटर की है तो 1.5 लीटर पानी आप अंदर मिलाना है, 500 लीटर को अपना ड्रम है तो आप सीधा हिसाब है 50 लीटर आप अंदर मिला देंगे, आप हफ्ता 10वें दिन स्प्रे करता रहेंगे तो इनका पत्ता जगह खारा हो जाएगा, और दूसरा इनका अडल्ट है जो ऊपर जाके अंडा कौन देवे एगलिंग कौन करे, तो एक अपना बहुत अच्छो जैविक नियंत्रण है, किसान को खर्चो भी कम होगा, व्हाइट फ्लाई भी कम होगी, व्हाइट फ्लाई वास्ते होते पीलो मटको टांग रखे जो बहुत अच्छा है, अब जी वातावरण के अंदर थोड़ी खुश्की हो तो थ्रिप्स को अटैक हो सके, तो जो पीलो मटको जगह थे नीलो मटको लेस को नीलो मटके के प्रति है जगह थ्रिप्स है वह आकर्षित होगा। हाँ और किसानों ने गुलाबी सुंडी वास्ते के सुझाव देना चाहो भी मिलजुल के आप इकट्ठो काम करा तो नियंत्रण कर सकेंगे, नरमो छिदो करा दी तो छिदो रखा दी तो फायदा है, अरे पानी कम रखना है यूरिया कम देनी है, अब के कई किसान भाइयों के मन में ही है भी अब की बार नरमो तो होएगा नहीं तो मैं सीधे बीज दिया जी डीएपी यूरिया की दिखाई कौन, अगर मन में है भी आप नरमो रखना तो बीजनी चाहिए डीएपी, बिल्कुल बीजनी चाहिए, मैं तो आप बीजी है मनीचे, अरे 60 दिनांक नरमो हो गया तो नीम आधारित कीटनाशक जगह कर लेना चाहिए अपन, एक मन बताओ नीम आधारित कीटनाशक वो किए काम करे, क्यों एक भरम है हमारे वो का नीम वाला की भाई को नहीं है, नहीं नीम आधारित कीटनाशक भोजराज जी मैं थाने बतावा वो कोई सुंडी कौन मारे को, वो एक विघन पैदा करे एंटी निर्मोचक को काम करे, जब अंडे पर पड़ जाएगा तो अंडे के ऊपर एक काइटिन की परत होवे, भी परत ने जिया भी सुंडी बाहर निकलेगी तो अगली स्टेज में कौन जाएगी, यानी अंडो पहली अंडे पर पड़गी नीम वाली तो भी सुंडी कौन निकलेगी, वो आप बारीक क्यों अध्ययन करानी बहुत माइक्रो तो दिखे, अगर दूसरी स्टेज पर है तो तीसरी में कौन जाएगी, नीचे प्यूपा बहुत कम चांस है नीम वाली प्यूपा पर पड़ जाएगी, प्यूपा तो जमीन में पड़ना होगा बी पर पड़ेगा नहीं, अगर खुदा ने खासता ऊपर प्यूपा पड़न लग रहे बी पर पड़गी तो बी में मकड़ कौन निकलेगा, मकड़ का ऊपर पड़ने का भी चांस बहुत कम होगा क्योंकि अडल्ट है जो बहुत चलाक हो है, तो आप अंडर एक सुंडी 2 स्टेज नहीं कंट्रोल कर सका नहीं मालियो, अगर मकड़ पर पड़गी तो वो आगे बच्चा पैदा कौन करेगा, और एंटी निर्मोचक है एंटी वायरल है एंटी बैक्टीरियल है एंटी वायरस है, नीम के अंदर जो डायरेक्ट इंसल्ट है वो हरेक चीज़ के ऊपर काम करे, खेत के अंदर पेस्ट को प्रेशर हरे तेलो है प्लस अब व्हाइट फ्लाई भी पड़ेगी बिना भी कम करे, इस वास्ते 2 कीटनाशक अपन करना चाहिए, बाकी आप तेज स्प्रे करेंगे तो आ स्टेज देखने लग रहे हैं अंदर सिमपोडिया निकले टिंडा वाली शाख आएंगे सागा एक पत्तो है वो, अगर आप तेज स्प्रे कर देंगे डेल्टा है अल्फा है फेनवाल अभी आप पर फेनो कर देंगे तो ये नरमे की जिसकी ग्रोथ है वह रुक जाएगी, और टिंडा वाली शाख है जिसकी निकलनी कम हो जाएगी, अभी बच्चा अवस्था में तो नीम वाली रखो जैविक रखो थे इनके अंदर बेवेरिया बेसिया ना वो कर सको मेटारेजियम एनिसबोली 3-3 ml मिला के और जैविक कीटनाशक करोगा तो अंडा जगह खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट विजिट में आप निमस्त्र के बारे में बात करेंगे, और थे खेत में तैयार करना है खुद ही और खुद ही छिड़कना थे भी परिणाम देखोगा तो छाछाली दवाई भी बतावांगा नेक्स्ट वीडियो में, और किसानों ने थारा सुझाव है थारा मन के अंदर कोई बात कहना चाहो तो बीटी कपास का दर्शक थाने देखने लग रहे हो और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में थे एक प्रगतिशील काश्तकार हो मैंने थारे किसानों थारे वर्ग का किसानों मिला तो बहुत बड़ी खुशी हुआ, सुझाव तो ये एक तो नरमो छिदो रखो, हाँ जी हाँ जी कम से कम 3 फुट को अंतर होना चाहिए, मेरे आपको प्रैक्टिस है 4x4 फुट को मेरे लगाए नरमा ब्यूटी शुरू में चले हो, वो नरमा मेरा 10 क्विंटल बिकेगा
वो प्रैक्टिकल करे जीतो छीदो नरमा वो भी तो बढ़िया होगा। लालगढ़ थे एक प्रैक्टिकल करे सिम्पोडिया जी की शाखा चल रहा है बिंग अलावा कई शाखा जगह पर की फाड़ कोनिया बंद थे कट्टी। हां कट्टी तो बहुत उत्पादन ठीक रहे होगे। हां तो लास्ट में सुंडी आ गई बिंग बाद में फिर वो सिस्टम मन थोड़ा सा खट्टा हो गया। अब के देखना सुंडी तो सारा में आ गई निकाले कोनी बिताले रहे। अब की बार किसान भाइयों किसान है जो बुआई कम करिए फसल चक्कर है कटी गवार आ गयो कटी गन्ने की फसल आ गई कटी मूंगफली आ गई कटी धान आ गयो क्रॉप रोटेशन बदले है ये कीट के अंदर लकड़ियों जका भी अडल्ट निकले बांग अंदर सुसाइडल इमरजेंस हुए है तो एक प्रतिरोधक आयो सुंडी के अंदर आने वाले भविष्य में देखांगा सुंडी को प्रेशर कितो की है। वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ेड़ा रहे हर एक टाइम वह मॉनिटरिंग करता रहे जका भी सिरसा अनुसंधान केंद्र का है हमारी कृषि विभाग की टीम भी मॉनिटरिंग कर रही करने लग रही है। नमस्कार जी राम राम बोजरा जी प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा वीडियो थाने किया लागो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो शेयर करो दूसरा किसान तक पहुंचाओ मिलना है किसी प्रगतिशील काश्तकार की कहानी लेके राम राम जी।